हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किससे? एसआर कांटवा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। सबको पता है कि एक्सटेंशन का प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, काम करके सीखना। ठीक है, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन का गोल क्या है? फार्मर की इनकम ही प्रमोट करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, न्यू क्रॉप ये तो ब्रीडर्स का काम है, साइंटिफिक आउटलुक नहीं। क्या है? इनकम ऑफ फार्मर, फार्मर की इनकम को प्रमोट करना, ये गोल हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन का। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है? इतावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर। हाँ, मैंने याद करवाया था कि ई ए वॉवल्स है, तो इतावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने दिया है। थर्ड का आंसर है ए। उसके बाद फर्स्ट के वी के वॉज पब्लिश्ड इन 1974। फर्स्ट के वी के 1974 में कहाँ? पुडुचेरी में हुआ था। ठीक है, ये डी आंसर हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बिफोर इंडिपेंडेंस? इतावा पायलट प्रोजेक्ट अपनाया था 48 में। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो था वो 52 में था, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो था वो 53 में था। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ये 1920s में स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा अपना बी। बी मतलब इतावा पायलट प्रोजेक्ट, वो क्या, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बिफोर इंडिपेंडेंस, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट देख लेते हैं अपन। थर्ड का आंसर है ए है, फोर्थ का आंसर है डी है, फिफ्थ का आंसर है बी, सही है। अब आते हैं टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 1957। ठीक है, देख लिया अपन ने। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ, विलेजेस को पॉलिटिक ग्रोथ क्यों चाहिए? सोशल ग्रोथ नहीं, अकेले सोशल ही ग्रोथ हो जाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। फिर कल्चरल ग्रोथ, विलेज वालों की कल्चरल ग्रोथ नहीं, इससे वो अच्छे से रह थोड़ी पाएंगे। सोशो इकोनॉमिक, सोशली भी ग्रोथ होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही था मेन। फिर रेडियो मास मीडियम इज़ कैरेक्टराइज बाय, क्या है वन वे? रेडियो मास मीडियम इज़ कैरेक्टराइज बाय, रेडियो मास मीडियम कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है? वन वे विद इमीडिएट फीडबैक, नहीं नहीं, इमीडिएट फीडबैक कहाँ मिलता है रेडियो में? वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स, हाँ ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो होता नहीं है, एक तरफ से चलते रहता है। उसके बाद वन वे एंड कलरफुल, वन वे कलरफुल तो नहीं होता, वन वे एंड टाइमलेस, टाइमलेस नहीं नहीं टाइम टू टाइम चलता है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस। ठीक है, अब नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मास एग्जीबिशन ठीक है, फार्म इंडिविजुअल फार्म विजिट ठीक है, ग्रुप मेला, ग्रुप मेला कब से हो गया भैया? मास न्यूज़पेपर ये भी सही है, ग्रुप मेला गलत है, सी आंसर होगा इसका, नाइन का सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन ने याद किया था फेयर, मेला मतलब फेयर, फेयर 30 लोगों का तो नहीं होगा ना, सिर्फ कितने लोगों का होगा? 30 से ज़्यादा का ही होगा, मतलब ये हो गया क्या कि ग्रुप जो है वो मेला, ग्रुप का एग्जांपल मेला नहीं है। पर्पस ऑफ एक्सटेंशन इवैल्यूएशन क्या है? एक्सटेंशन इवैल्यूएशन का पर्पस टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट, वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना, हाँ करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी करते हैं, टू आइडेंटिफाई द गैप एंड एरर, गैप और एरर पता करना, हाँ टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द अबव, सही है भैया। ठीक है, अब देखते हैं अगले, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। न्यूज़पेपर इज़ अ पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में न्यूज़पेपर को पॉपुलर मीडियम है? नहीं, ये नहीं है। न्यूज़पेपर इज़ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ भाई सही है। फिल्म शो इज़ ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ ऑडियो विजुअल ही है ना फिल्म शो, तो दो सही है, तीन सही है। फिल्म शो इज़ पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल, पॉपुलर मीडियम नहीं है, ठीक है किया जा सकता है लेकिन पॉपुलर नहीं है, इस हिसाब से अपना फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आ रहा है, तो बी आंसर होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, इलेवन का आंसर बी सही है अपना। ट्वेल्व, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। असर्शन दिया है फिल्म इज़ नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल एरिया, अपन ने अभी पढ़ा कि कॉमन नहीं है, फिल्म इज़ अ पॉपुलर मीडियम, अपन ने इसको गलत लगाया था, यहाँ पे भी फिल्म इज़ नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल, देखो इफेक्टिव है लेकिन कॉमन नहीं है, बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव है लेकिन कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, कॉमन नहीं है लेकिन इफेक्टिव है,
ये बात ध्यान रखनी। फिल्म कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड विद लो वोल्टेज पावर, नहीं किया जा सकता, सही है। अब क्या देखो क्या आंसर है, ए इज़ ट्रू, ए ये तो गलत है, आर इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू, हाँ आर सही है, तो ये आंसर होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, नहीं दोनों नहीं है, बोथ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, दोनों करेक्ट ही नहीं है, तो अपना 12 का आंसर हो जाएगा बी, देखते हैं 12 का आंसर है बी, सही है। फिर मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, स्पोकन फॉर्म है, फोल्डर, नहीं नहीं मैच करना है ना, चलो मैच कर लेते हैं, क्या स्पोकन फॉर्म है, टेप रिकॉर्डर, ए का सेकंड, दो आंसर है, रिटर्न फॉर्म है, फोल्डर, तो रिटर्न फॉर्म को अपन फोल्डर, एक ही ऑप्शन है ना शायद, देखो सेकंड और ए, 2-1 ए आंसर होना चाहिए, 13 का ये आंसर दिख रहा है अपने को, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, मॉडल ग्रुप है ठीक है, स्लाइड मास है ठीक है, टेलीफोन ठीक है, पोस्टर मास कॉन्टेक्ट है ठीक है, बी आंसर होना चाहिए क्या, देखो 14 बी आंसर है, सही है। फिर आ गया लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय, देखो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब किसी लैब की कंडीशन से उसको ओपन कंडीशन में उस टेक्निक को लाना, तो ये ICR ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, और ICR ने ही किया था, तो इसलिए सही आंसर ICR है। 15 का आंसर है डी, ICR सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, देखो अपन ने डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन का भी कौन सा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है तो ना, लेकिन सिंपोजियम है, दो ही याद किए थे अपन ने अच्छे से कि हाँ ये दो एग्जांपल में पूछे जाते हैं। फ्लैनल ग्राफ इसका अपने को नहीं पता, फिर भी अपन इसको रखते हैं ऑप्शन में कि पता नहीं करके। सर्कुलर लेटर इसका तो अपने को पता है कि ये मास कॉन्टेक्ट है कि नहीं, तो फिर अब इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर लेटर, देखो ज़रा 16 का डी सही है। फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट व्हेन, कब होता है, लोकल लीडर पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं लोकल लीडर के पार्टिसिपेट करने से क्या हो जाएगा, लिटरेट सेक्शन ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, ये अब भाई मेरा बाहर पढ़ रहा है, वो गांव में 2 दिन के लिए आया है, वो वहां जाके पार्टिसिपेट कर लेगा तो क्या कर लेगा, नहीं कर लेगा, जो वहां के लोकल विलेजर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने फार्म में जाके अप्लाई करेंगे, तब कुछ फ़ायदा होगा ना, और एक्सटेंशन मेथड एक्सटेंशन एजुकेशन होती क्यों है, ताकि लोकल लोग उसमें परफॉर्म कर पाए, लोकल लोग उसे अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत मेंबर पार्टिसिपेट करने से भी कुछ नहीं होगा, मेजोरिटी ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट, जब ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब ये सही होगा, डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट टू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इवेल्यूएशन, एक्सटेंशन इवेल्यूएशन का ट्रू कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कौन सा है, एक्सटेंशन इवेल्यूएशन बिगिन बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले कैसे इवेल्यूएशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, गलत है। एक्सटेंशन इवेल्यूएशन ब्रिंग्स एट द मिड स्टेप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के मिड स्टेप में, हाँ किया जा सकता है, तभी तो पता चलेगा ना कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, ठीक है। सेकंड थर्ड देखते हैं, एक्सटेंशन इवेल्यूएशन ब्रिगिन एट द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम, मतलब ही क्या रहेगा भैया, अगर लास्ट स्टेप पे करेंगे तो नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं था और ये था। एक्सटेंशन इवेल्यूएशन बिगिंस इन बिल्ट इन ईच स्टेप ऑफ प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में वो करते जाएंगे तो इवेल्यूएशन ही नहीं करते रह जाएंगे, तो वे काम कहाँ करेंगे, ठीक है ये भी नहीं है। सही आंसर क्या है अपना, बी, 18 का आंसर देख लो, बी सही है, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब कुछ करिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है, थैंक यू फ्रेंड्स।